दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल नॉलेज। आपको मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल नॉलेज से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाईव्हील हम क्यों यूज करते हैं इंजन का अंदर, इंजन में क्यों फ्लाईव्हील यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों व्हाई यूज फ्लाईव्हील इन द इंजन। आज इसका दिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्लाईव्हील का जो मेन काम है, जब इंजन का अंदर पावर स्ट्रोक में पावर जनरेट होता है, वो टाइम में वो जो पावर जनरेट हुआ इंजन के अंदर उसको स्टोरेज करता है, फ्लाईव्हील खुद स्टोरेज करता है। जो रोटेटिंग पावर जनरेट होता है उसको स्टोरेज करता है। और अदर स्ट्रोक जैसे हुआ, अदर स्ट्रोक में वो पावर को रिटर्न भेजता है इंजन के अंदर काम करने के लिए। अदर स्ट्रोक कैसे काम करे इसलिए वो रिटर्न पावर भेजता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रोक इंजन, इसमें भी एक बार पावर जनरेट होता है, वन टाइम पावर जनरेट होता है। टू स्ट्रोक कंप्लीट होने से एक बार पावर जनरेट होता है। और फोर स्ट्रोक इंजन, इंजन में भी एक बार पावर जनरेट होता है फोर स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद। और टू स्ट्रोक में भी दो बार स्ट्रोक होता है, इसमें एक बार पावर, और फोर स्ट्रोक में एक बार फोर स्ट्रोक होता है और एक बार पावर। अभी स्ट्रोक जो है फोर स्ट्रोक में एक होता है सक्शन, दो में होता है कंप्रेशन, तीन में होता है पावर, फोर में होता है एग्जॉस्ट। अभी फोर स्ट्रोक हो गया, फोर स्ट्रोक में इसमें से पावर जनरेट हुआ, ये स्ट्रोक में पावर जनरेट हुआ, बाकी जो तीन स्ट्रोक कैसे काम करेगा उसको काम करने के लिए जो पावर स्ट्रोक में जो पावर जनरेट हुआ वो फ्लाईव्हील स्टोरेज कर लेता है, और ये तीनों स्ट्रोक के टाइम में वो रिटर्न भेजता है, सप्लाई करता है पावर को, जिसकी वजह से इंजन जो वार करता है वो स्मूथली वार कर पाता है। फ्लाईव्हील नहीं रहेगा तो इंजन वर्क स्मूथली नहीं हो पाएगा। और क्या काम करते हैं फ्लाईव्हील, वो आगे बात करते हैं। दोस्तों फ्लाईव्हील में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट होता है। जैसे हम गियर एंगेज करते हैं, डिस्क एंगेज करते हैं, तो हमको जो इंजन के अंदर से पावर आता है उसको डिसकनेक्ट करने के लिए गियर एंगेज करने के टाइम में तो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों वही टाइम में क्या होता है, जरूरत पड़ता है, और क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट फ्लाईव्हील के ऊपर ही फिट होता है, यानी कि क्लच प्लेट जो है फ्लाईव्हील जो है क्लच प्लेट को और प्रेशर प्लेट को होल्ड करके रखता है, कैच करके रखता है। फ्लाईव्हील क्लच प्लेट एंड
एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, जब इंजन हम स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करने के लिए हम की ऑन की में जब इंजन स्टार्ट किया, की घुमाया और इंजन स्टार्ट किया, वो टाइम में स्टार्टर का जो पिनियन है वो जाके फ्लाईव्हील का जो रिंग गियर में एंगेज होता है। यानी कि देखो ये दोस्तों, ये रिंग गियर है, फ्लाईव्हील में रिंग गियर रहता है, उसमें जब एंगेज होएगा फिर स्टार्टर का जो पिनियन गियर है वो एंगेज होएगा रिंग गियर में, तो जाके इंजन स्टार्ट हो पाता है। ये काम भी फ्लाईव्हील का, फ्लाईव्हील में ही होता है, फ्लाईव्हील ये काम कराता है। देखो इंजन स्टार्ट टाइम, इंजन स्टार्ट टाइम एल, ये हो गया। और क्या है दोस्तों, जब कोई कोई इंजन में देख, कोई कोई इंजन में क्रैंक सेंसर का जो मिसिंग टूथ रहता है, सिग्नल भेजने के लिए क्रैंक सेंसर जो मिसिंग टूथ रहता है वो फ्लाईव्हील के ऊपर ही फिट होता है। सम इंजन इंजन क्रैंक सेंसर, क्रैंक सेंसर सिग्नल सिग्नल रिंग फीड लाइव, ये काम भी करता है फ्लाईव्हील का। और